A starting worksheet for chapter polynomials for class 9. The question number 1 is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? Okay, so we know that the polynomials are those expressions, algebraic expressions, the exponent of variable is non-negative integer. Okay, so now the first is 4x square minus 3x plus 7. Yes, it is a polynomial. Y square plus 2 is also a polynomial. Y plus 5t, it is a polynomial, but it is not in one variable. It has two variables, y and t. इसके दो variable हैं y और t. इसलिए इस question का answer no. Next है 3 root v plus 2. अब देखिए v पर power आपकी क्या आ गई यहाँ पर 1/2. जबकि power क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वी स्क्वायर प्लस बी माइनस 3 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. इफ एक्स प्लस 1 y x, अगर ये है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां पर x की पावर क्या हो जाएगी? -1. अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस x टेस्ट पावर -1, बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 40, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 90 एंड ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 60 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म. बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल में 3. तो अगर मोनोमियल लिखना है डिग्री 40 का, तो वी कैन राइट वेरी इजिली एक्स रेज टू पावर 40. दिस इज ए मोनोमियल, क्योंकि ये सिंगल टर्म है और डिग्री है 40. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. नेक्स्ट बाइनोमियल ऑफ डिग्री 90. देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 90 मीन एक्स रेज टू पावर 90 प्लस 5. इट इज ए बाइनोमियल, इट हैज टू टर्म्स. कुछ भी लिख सकते हैं, वाई रेज टू पावर 90 प्लस वाई, ये भी एक बाइनोमियल है. और ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 60 डिग्री, तो वी कैन राइट एक्स रेज टू पावर 60 प्लस 2x प्लस 5. इट इज ए ट्राइनोमियल, इट हैज 3 टर्म्स, 1, 2 एंड 3. और भी लिख सकते हैं, वाई रेज टू पावर 60 माइनस वाई प्लस 7, ये भी है. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स होने चाहिए और हाइएस्ट पावर जो डिग्री दी हुई है. नेक्स्ट, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच केस. कोफिशियंट मीन्स एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9. यहां पर एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1. द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. 14 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x क्यूब. यहां पर एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -2. इट मीन्स द कोफिशियंट इज -2. रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कोफिशियंट इज √2. एंड एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3. यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यानी इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहां पर कोफिशियंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, इसलिए वो 0. नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. अब देखिए डिग्री क्या कहलाती है? हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. एक्स रेज टू पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 6. Here is a degree is 5. Highest power is 5. In this 2 minus y square plus y raised to power 4 plus 2 y raised to power 6. सबसे बड़ी पावर क्या है? 6. 2. 2 का डिग्री क्या होगा? देखिए 2 में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? x की पावर 0. तो यहां पर हाइएस्ट पावर क्या है? 0. तो डिग्री क्या होगी किसी भी कॉन्स्टेंट की? 0. और 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड. द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल is not defined. Okay. Next. Question number 5. If px equal to 3x cube plus 8x square minus 1, then find p0, p minus 1 and p2. It means replace the variable by 0, minus 1 and 2. See. Okay. Polynomial kya diya hua hai? Px equal to 3x cube plus 8x square minus 1. Humko nikalna hai p0. इट मीन्स जस्ट राइट x इक्वल टू 0.
थ्री इंटू जीरो क्यूब जीरो, एट इंटू जीरो माइनस वन, द आंसर इज माइनस वन। दूसरा निकालना था हमको p माइनस वन, यानी x की जगह हमको लिखना है माइनस वन, माइनस वन रेस्ट पावर थ्री, एट इंटू माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन। माइनस वन का क्यूब क्या होता है? माइनस वन। अगर माइनस वन की अगर पावर हम लोग ऑड नंबर देते हैं तो आंसर हमेशा माइनस वन ही होता है, और अगर माइनस वन की पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन, क्योंकि थ्री ऑड है, इसमें देखिए टू इवन है, तो ये हो जाएगा प्लस वन। अब माइनस थ्री प्लस एट माइनस वन, ये क्या हो गया? एट माइनस फोर इक्वल टू फोर, पी माइनस वन हो गया फोर। अब हमको निकालना है पी टू, यानी x की जगह हमको क्या लिखना है? 2। तो 3 इंटू टू क्यूब प्लस 8 इंटू टू माइनस वन। टू क्यूब इज 8, 8 इंटू थ्री इज 24, 8 इंटू टू 16 माइनस वन 40 माइनस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे 40, तो आंसर इज 39। इस तरीके से वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जैसे पी एक्स एक्स प्लस फाइव। यानी हमको क्या करना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो करना है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। तो इसका जीरो क्या हो गया? माइनस फाइव। सेम थ्री एक्स माइनस फाइव, पी एक्स इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, इधर जाके पॉजिटिव, एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री। थर्ड पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, यानी थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्या दिया? ए एक्स प्लस बी। हमको क्या करना है? जीरोज निकालना है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करना है? जीरो। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और लास्ट है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इक्वल टू जीरो, ए एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, शो दैट थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 21। क्या करना है? शो दैट थ्री इज द जीरो। थ्री इज द जीरो मीन्स अगर इसमें थ्री पुट करेंगे, पी थ्री रखने पर, एक्स इक्वल टू थ्री रखने पर ये जीरो आना चाहिए। तो देखिए पी थ्री हम निकालते हैं, थ्री क्यूब माइनस एट इंटू थ्री स्क्वायर, जस्ट पुट एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री क्यूब इज 27, थ्री इंटू थ्री 9872 प्लस 24 प्लस 2, 27 प्लस 24 प्लस 2 इज 72, सॉरी नॉट दैट 2, हियर इज 21, इन द क्वेश्चन इट इज 21, प्लस 27 प्लस 24 प्लस 21 इक्वल टू 72 माइनस 72, जीरो। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द नंबर वन माइनस वन माइनस थ्री आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। टू एक्स रेस्ट बाय फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स। यानी वन माइनस वन माइनस थ्री, तीनों को रख के इसमें देखेंगे, जिससे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी वही इसका जीरोज है, वन माइनस वन माइनस थ्री। पहले हम लोग वन पुट करके देखेंगे, वैसे वन रखने से जीरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सारे ही नंबर पॉजिटिव हैं, लेकिन हमको चेक करना है। टू प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस फोर माइनस सिक्स, टू प्लस फोर, सिक्स माइनस सिक्स कैंसिल, इट इज इक्वल टू ट्वेंटी।
ये इसका जीरो नहीं है। अब माइनस वन चेक करेंगे, टू इंटू माइनस वन रेज टू पावर फोर, नाइन इंटू माइनस वन रेज टू पावर थ्री, इलेवन इंटू माइनस वन रेज टू पावर टू, फोर इंटू माइनस वन माइनस सिक्स। माइनस वन रेज टू पावर वन फोर है तो ये वन होगा, ये माइनस वन होगा क्योंकि माइनस वन की पावर थ्री है, ये इलेवन इंटू वन, ये माइनस फोर माइनस सिक्स। देखिए पॉजिटिव नंबर क्या है, टू प्लस इलेवन, और ये है माइनस नाइन माइनस फोर माइनस सिक्स। नाइन प्लस फोर थर्टीन, इलेवन प्लस टू थर्टीन माइनस सिक्स, ये भी जीरो नहीं है। अब माइनस थ्री से चेक करेंगे, पी माइनस थ्री, टू इंटू माइनस थ्री रेज टू पावर फोर, प्लस नाइन इंटू माइनस थ्री रेज टू पावर थ्री, प्लस इलेवन इंटू माइनस थ्री स्क्वायर, फोर इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स। थ्री रेज टू पावर फोर 81, माइनस थ्री क्यूब इज माइनस 27, 11 इंटू नाइन माइनस 12 माइनस सिक्स, टू 162 माइनस 243 प्लस 99 माइनस 12 माइनस सिक्स इज माइनस 18। अब पॉजिटिव नंबर को एक साथ ऐड करेंगे और नेगेटिव को एक साथ, 9 to 11, 261, इसको ऐड करेंगे 261, इट इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस थ्री इज ए जीरो, माइनस थ्री इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन हैज नो जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन हैज नो जीरो, नो जीरो मीन्स यानी इसमें कुछ भी वैल्यू ऐसी हम नहीं डाल सकते नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इसमें रियल जीरो नहीं आए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स, ये इसको नाइन प्लस सिक्स लिख लेंगे, फिफ्टीन को लिख के नाइन प्लस सिक्स, क्यों, क्योंकि हमको इसको स्क्वायर बनाना है, किसका स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स। अब देखिए, अब कभी भी x प्लस थ्री का होल स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, लिखेंगे x प्लस थ्री स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। और जब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो इसका वैल्यू जीरो कभी आ सकती है, इस फंक्शन की, इस एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है। जब अगर ये माइनस और ये प्लस दोनों होते कट के, यहां आंसर क्या आ जाता, जीरो। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये क्या होगा, हमेशा वैल्यू जो होगी फंक्शन की मोर देन सिक्स होगी। तो लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी हो सकता है, अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सिक्स। अगर यहां पर अगर हम जीरो भी पुट करेंगे तो वैल्यू सिक्स रहेगी, और यहां कोई भी पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो हमेशा सिक्स से बड़ा हो जाएगा, दस एफ एक्स हैज नो जीरो, इसलिए इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द इंटीग्रल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल थ्री वाई क्यूब प्लस एट वाई स्क्वायर माइनस वन। देखिए इंटीग्रल जीरोज मीन्स ऐसे जीरोज जो इंटीजर्स में होने चाहिए, इंटीजर्स जैसे वन, पॉजिटिव नंबर्स जीरो, नेगेटिव नंबर्स, यानी इंटीजर में ही इसके जीरोज आने चाहिए। तो हमको प्रूव करना है, बताना है कि इसके इंटीग्रल जीरोज क्या है। हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, थ्री वाई क्यूब प्लस एट वाई स्क्वायर माइनस वन, इसको हम लोग लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू थ्री वाई क्यूब माइनस। अब इसके पॉसिबल क्या हो सकते हैं इंटीग्रल जीरोज, पॉसिबल इंटीग्रल जीरोज ये क्या हो सकते हैं, वन एंड माइनस वन, क्योंकि लास्ट में माइनस वन आ रहा है
तो वन एंड माइनस वन पॉसिबल यही है। तो हम लोग चेक करेंगे कि वन इसका इंटीग्रल जीरो है या नहीं। तो वाई इक्वल टू वन पुट कीजिए, ये क्या हो गया, थ्री प्लस एट माइनस वन, इलेवन माइनस वन इट इज इक्वल टू टेन। इसका मतलब वन इसका जीरो नहीं है, जीरो का मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं है। देयरफॉर वन इज नॉट ए जीरो ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोबारा माइनस वन पुट करके रखते हैं, दो हो सकते हैं, वन और माइनस वन ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। थ्री इंटू माइनस वन होल क्यूब, एट इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस वन, ये क्या हो गया, माइनस थ्री प्लस एट माइनस वन, एट माइनस फोर फोर, यानी ये भी जीरो के बराबर नहीं है, नहीं है ना। देयरफॉर माइनस वन इज नॉट ए जीरो ऑफ फंक्शन, हेंस दिस हैज फंक्शन हैज नो इंटीग्रल जीरो, क्योंकि दो ही हो सकते थे, वो दोनों है नहीं, हमने दिखा दिया, इसलिए इसका कोई इंटीग्रल जीरो नहीं है। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएंगे, हमेशा फ्रैक्शन में जीरोज आएंगे, इंटीजर्स में नहीं। ओके okay?